बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे तो जनाब सुबह हो चुकी है और सर्दियों में खास तौर तो पर सुबह में सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना वो यही होता है कि ऐसी कौन सी तरतीब तरकीब लगाई जाए ऐसा कौन सा आइडिया लगाया जाए कि जो काम है ना वो एक तो जल्दी ख़त्म हो और दूसरा आ, टाइम पे ख़त्म हो जाए यानी कि जल्दी पे और टाइम पे इसलिए टाइम मेरा वो होता है कि बच्चों से जागने से पहले और जल्दी इसलिए कि जल्दी काम ख़त्म होंगे तो एक काम ख़त्म हो गया तो दूसरा शुरू हो गया मतलब अपनी रूटीन के हिसाब ने सारा काम ठीक हो जाए लेकिन अक्सर ऐसा होता है सर्दी में ना कि कई बार तो पूरा दिन ही कामों में चला जाता है और पता भी नहीं चलता तो बस जब मैं आ, उठती हूँ ना तो दानियाल के साथ जब मैं सबसे पहले तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है आ, तो उसके दौरान ना उसके साथ खेलने के दौरान मैं अपना एक स्केच बना लेती हूँ कि यार मैंने सबसे पहले कौन सा काम करना है उसके बाद और उसके बाद मतलब एक लिस्ट मैं अपने माइंड में तैयार कर चुकी होती हूँ और ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो अगर जो लोग बिगेनर्स होते हैं ना उनको तो एक प्रॉपर लिख के एक प्लान जो होता है ना वीकली या मंथली भी और डेली भी बना लेना चाहिए लेकिन जैसे कि हम पुराने लोग <laughs> तो थोड़े मास्टर हो जाते हैं ना जो अपने काम में तो हम लोग अपने जेनों में भी बना लेते हैं तो मैं एक स्केच अपने पूरे दिन का ना अपने शुरू दिन में ही बना लेती हूँ तो मैं आजकल चूंकि सर्दी है तो अपनी सेहत का ख़्याल सबसे पहले आता है आप खुद सेहतमंद रहेंगी तब ही आप अपने बच्चों को और घर को देख सकेंगी सो तो अपनी सेहत सबसे पहले आती है जनाब लिस्ट में तो मैं आ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालती कि मैंने ये भी करना है वो भी करना है मैं रोज़ का एक काम सेलेक्ट करके रखती हूँ सर्दी हो या गर्मी हो हाँ गर्मी में मैं ज़रा ईजी होकर काम करती हूँ लेकिन सर्दी में मैं ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, हो जाती हूँ <laughs> ज़ाहिर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है थोड़ा सा बंदे को खुद को बचा बचा कर ही चलना पड़ता है जैसे कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है सो मैं रोज़ का एक मेन काम रखती हूँ जिससे एक मेन जगह की सफाई हो जाए ना तो मेरे जेन के ऊपर ना एक बोझ जो है ना वो हल्का हो जाता है तो आज के दिन का जो था ना जो मेरा टास्क था वो था मैंने अपने लॉन्च की आ, जो आ, टीवी का एरिया ना टीवी यूनिट का उसको मैंने क्लीन करना था और उसके बाद दानियाल की जो अलमारी थी उसको मैंने सेट करना था बाकी जो क्लीनिंग मॉबिंग और डस्टिंग वाले काम है वो तो सारे रूटीन के टास्क होते हैं वो तो रोज के रोज करनी होती हैं लेकिन कुछ एक छोटा मोटा जो काम होता है ना वो मैंने एक मेन सफ़ाई में सोच के रखा होता है जिसकी वजह से आपका घर जो है ना हमेशा साफ सुथरा रहता है खास तौर पर मेरा यही सीक्रेट है मेरे घर की साफ़ सफाई का अच्छा एक तो यह ना सर्दियों में ना मैं इसलिए भी टाइम पे काम करना पसंद करती हूँ कि बच्चे उठ जाए ना तो फिर आपकी मौग की मॉपिंग जो होती है ना जब आप कपड़ा लगा रहे होते हैं उसकी कोई सफाई नहीं रहती बच्चे गीले फ़र्श पर भागते रहते हैं तो वो साफ़ नहीं लगता और फिर मेरा ये होता है कि उनके उठने से पहले मैं मॉपिंग कर लूँ और फिर पंखे शंखे लगा लूँ ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और मेरे रूम में चूँकि दान्याल बैठा होता है तो मैं अब इधर तो फ़ैन नहीं चलाती सो मैं ना काफ़ी दिनों से यही प्रैक्टिस कर रही हूँ मतलब यही मेरा मामूल जा रहा है कि मैं जब मॉपिंग करती हूँ ना उसके बाद मैं ना एक खुश्क कपड़ा मैंने रखा हुआ है बड़ा सा ये ना टावल है कोई पुराना ना तो वो रखा हुआ है वो मैं फ़र्श पे लगा देती हूँ मॉपिंग के बाद वो इस इत, इतनी जल्दी साफ हो जाता है और डबल सफाई का जो फ़र्श है ना और भी ज़्यादा चमक जाता है तो इससे मुझे ना तो पंखा कमरे में चलाना पड़ता है और जो है ना मेरा फर्श वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है यानी कि डबल समझ लें उसके ऊपर पोछा लग जाता है तो वो बहुत क्लीन लुक देता है एक ये इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है वरना मैं पहले पंखे चलाती थी और फिर दानियाल को कभी इस कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में तो उसके बाद भी ये मैंने एक तरीका निकाला मैंने सोचा कि चलें ये कर लें तो इससे बहुत ज़बरदस्त मेरा टाइम पास हो हो रहा है अच्छा मैं ना ऐसा नहीं करती कि एक बार मैंने साफ़ सफाई कर ली है टाइम पे काम ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि एक बार ख़त्म हो गया तो काम ही ख़त्म हो गया ऐसा कुछ भी नहीं होता मैं पूरा दिन वक्फे वक्फे से जब भी मेरे अंदर थोड़ा सा जोश और जज्बा आता है ना या जब मैं किसी भी काम के लिए कमरे से बाहर निकलूँ ना तो मैं इधर उधर देखती जाती रहती हूँ जो भी चीज़ मेरे सामने नज़रों पर आती है तो मैं उसको समेटती जाती हूँ साथ सा अच्छा ये टीवी यूनिट का जो एरिया ना ये काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ना क्लिक हो रहा था कि ये ना गंदा हो रहा है इसके ऊपर मैस क्रिएट हो रहा है जमा हो रहा है तो यहाँ पे ना अक्सर ऐसा होता है बच्चों से बचाने के लिए कभी कोई चीज़ ऊपर रख दी उठा के उनकी पोंह से दूर है तो वो काफ़ी चीज़ें जमा हो गई थी ऊपर वो मैंने सोचा हुआ था इसको साफ़ करना है आज मैंने इसको क्लियर किया ना तो काफ़ी माइंड फ्रेश हो गया है उसके बाद भी मैं दान्याल की अलमारी में लग गई थी उसको मैंने साफ़ किया है और बस इसी तरह छोटे मोटे काम करते करते ना पूरा दिन भी गुजर जाता है बिज़ी बिजी रहने में अच्छा ये भी होता है जब तक आप वैसे वेले बैठे रहते हैं ना इतनी सर्दी फील होती है और जैसे आप काम कर रहे होते हैं ना दूसरों का तो नहीं मुझे पता लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब मैं काम में लगी होती हूँ ना तो मुझे सर्दी गर्मी किसी चीज़ का एहसास नहीं होता क्योंकि आप में एक लगन होती है ना जो आ, बस वो एक तो बॉडी जो वर्किंग ऑर्डर में होती है ना तो वैसे ही गर्म हो जाती है जनरेट हो जाती है ना तो फिर वो सर्दी जो है ना वो फील नहीं होती और जैसे ही काम ख़त्म होती है ना तो फिर से सर्दी लगने लग जाती है अभी मैं वॉइस ओवर कर रही कार्यूँ ना तो मैं इस टाइम आप समझ लें भालू बन के बैठी हुई हूँ मैंने जर्सी भी पहनी हुई है उसके ऊपर अपने भाई की पूरी बड़ी वाली जैकेट पहन के ना तो बैठी हुई हैं इसी तरह गुजारा हो रहा है तो जनाब आज बना था दाल चावल और यकीन करें ये चावलों की फार्म मेरी फेवरेट तरीन फार्म है दाल चावल चावल हाँ काली दाल मेरी फेवरेट है लेकिन यानी कि साबत मसर लेकिन चने की दाल आज अब ने बनाई थी तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी थी साथ में मेरा अचार और नींबू का अचार जो है ना वो मेरा फेवरेट तरीन अचार है बस इस तरह की छोटी मोटी ट्रीट्स जो है ना वो ये खुद को देते रहने से ना ज़रा हिम्मत बढ़ती है आपके अंदर काम करने का हौसला पैदा होता है और जो बच्चों की माएँ होती हैं ना उनके काम पूरा दिन हो कभी मैं तो कहती हूँ पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होते बस ये बच्चों से पहले जो जिंदगी होती है ना वो खुद बंदा बच्चा होता है सो बस इसी तरह चले जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और मुझे इंस्टा पे भी जरूर ज़रूर फॉलो करना है और दुआओं में दुआओं में आपने खास तौर पर याद रखना है तो जनाब ये जो एंड पे ना ये चाय जो है ना आजकल का मामूल बनी हुई है जो कि नहीं होना चाहिए बट क्या करें इसके बगैर गुजारा भी नहीं है चले जनाब इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफि